हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 में आए हुए क्वेश्चंस का वेटेज कुछ इस तरह रहा है। ठीक है, हमने सीजीएल और सीएचएसएल के कई सारे पेपर्स एनालाइज किए और तब जाके हमें ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, इसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस की है और काफ़ी क्वेश्चंस को एनालाइज किया है। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा। ठीक है, और आपको अगर स्टेनो के लिए चाहिए या फिर जीडी कांस्टेबल के लिए या एमटीएस के लिए तो प्लीज कमेंट, और हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो अगर मेन पार्ट का बात करें, ठीक है, दोनों का मिला के, सीजीएल और सीएचएसएल का दोनों का मिला के बात करें, तो यहाँ पे देखिए करेंट अफेयर्स जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे लगभग 7 से 7.5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे टीसीएस लेता जा रहा है, करेंट अफेयर्स का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चन पड़ता जा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको लगभग एग्जाम से 1 से 1.5 महीने पहले का, जैसे अप्रैल में एग्जाम है, ठीक है, सीजीएल का, और मई में है सीएचएसएल का। ठीक है, तो अप्रैल के लिए है 1.5 महीना पहले, मतलब कि मार्च और फरवरी, आप फरवरी के पहले 15 दिन और जनवरी दिसंबर, ये तीन जो है, ये तीन महीने दिसंबर जनवरी और फरवरी, हाँ ठीक है, ये 2.5 महीने जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आपको बढ़िया से करके जाना है। और ऐसे तो देखा जाए तो पूरा साल ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये 3 महीने से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप लास्ट 6 मंथ का भी करके जा सकते हैं। ठीक है, वो ठीक रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हिस्ट्री इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, करेंट अफेयर्स के बाद, ठीक है, हिस्ट्री से ज़्यादा वेटेज होता है। लगभग 3 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन के बीच में आ रहे थे हर पेपर में। ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन, हिस्ट्री में आपका मेन पार्ट हो जाता है एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, और फिर मेडिएवल से थोड़ा कम क्वेश्चन आ रहा है और फ्रीडम स्ट्रगल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और समाज से जो है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ये सारे पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सब आप करके जाइएगा। ठीक है, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है जीके पे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। ठीक है, आपको लिंक यहाँ पे आई बटन पे मिल रहा होगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से बाद में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में मेन हो जाता है, इसके बाद हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी मेन पार्ट हो जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी से जो रिवर वाला पोर्शन है, पासेज वाला पोर्शन है, माउंटेन पासेज, वैली पासेज और माउंटेन रेंजेस, उससे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको करके जाना चाहिए। और स्टैटिक जीके में बात करें दोस्तों, तो रिवर हो गया, उसके बाद टेम्पल्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया और हेडक्वार्टर्स हो गया, ये सारा कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और साथ ही में मैं बता दूं दोस्तों कि अन अकेडमी का 27 तारीख को, ठीक है, कल यानी कल ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें एसएससी कोर के ही, ठीक है, आपके ही कोर के जो स्टेनो का तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, आप ईयर होंगे, ठीक है, इस स्कॉलरशिप टेस्ट में, तो ये एग्ज़ाम आप जरूर दीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पे अगर आपका अच्छा रैंक आ जाता है तो ये सारे गिफ्ट अवार्ड्स भी हैं। ठीक है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है और बाकी सारे गिफ्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही अगर ये आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, ये लाइव टेस्ट, तो इसमें आपको अपना रैंक पता चलता है आपके कोर के स्टूडेंट्स के बीच में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज़ का आकलन पता लगना कि आपका जो पोजीशन है अमंग ऑल दोज स्टूडेंट्स कहाँ पे है। ठीक है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट देना चाहिए। आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे नीचे जाके, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपसे कोड पूछा जाए तो एग्जाम क्लस्टर 10 अप्लाई करना है। ठीक है, और अन अकेडमी के बारे में बता दूँ दोस्तों, तो अन अकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपका रैंक इस एग्ज़ाम में अंडर 1000 आ जाता है, ठीक है, तो आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे, प्लस सब्सक्रिप्शन पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाके एग्ज़ाम दीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर दिस स्कॉलरशिप टेस्ट। तो ये आपको करके जाना चाहिए। 3 क्वेश्चंस ऑन एवरेज पूछे जा रहे हैं स्टैटिक जीके से। ठीक है, सीएचएसएल में थोड़ा ज़्यादा था और सीजीएल में हल्का सा कम था सीएचएसएल के मुकाबले। ठीक है, पॉलिटी में मेन पार्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं जो ज़्यादा आते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्शन हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ, और जो डिबेट में न्यूज़ में रहा जो आर्टिकल्स, ठीक है, वो सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो आपको कवर करके जाना है। ठीक है, तो ये है पॉलिटी से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, बायो से 1.6 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 1.25 क्वेश्चन। ठीक है, तो
तो यहाँ तक जो हो जाता है वो आपको एकदम सबसे पहले करना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो आप ये सारे पार्ट को लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको ये ऊपर वाले जो पोर्शन है, ठीक है, वो आपको पहले करना है, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स से 0.83 क्वेश्चंस पर ऑन हर शिफ्ट में, और इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में मैं बता दूं कि मेन पार्ट जो न्यूज़ में रहता है, जिस तरह का इकोनॉमिकल टर्म, ठीक है, वो ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको वो सारा को फॉलो करिए जो इकोनॉमिक्स के न्यूज़ हैं, जैसे कि बैंक अगर मर्ज होता है तो बैंक से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जीएसटी वाला क्वेश्चन। तो ये इकोनॉमिक्स में इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। अगर देखिए, सीजीएल और सीएचएसएल में रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें काफ़ी अंतर था, ठीक है। जैसे कि मिसिंग टर्म्स है, ठीक है, 2.9 क्वेश्चन है सीजीएल में, और वही सीएचएसएल में देखा देखा जाए तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अंतर था, तो इसीलिए मैंने ये अलग अलग रखा है। तो आप स्पेसिफिकली, आप जिसका भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं अपने हिसाब से। क्लासिफिकेशन में देखा जाए दोस्तों, तो 4.5 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑड वन आउट जो होता है ना, उससे नंबर्स का जो था उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, और उसके बाद फिर वर्ड वाला जो था, अल्फाबेट्स वाला जो होता है क्लासिफिकेशन, उससे हल्का सा कम था, ठीक है। मिसिंग टर्म से उसके बाद 2.9 क्वेश्चन थे, काफी ज्यादा, और इसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग से 2.1 क्वेश्चन थे, एनालॉगी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है, मिस क्लासिफिकेशन से भी ज्यादा क्वेश्चन थे, सबको मिला दें अगर तो एनालॉगी से सबसे ज्यादा पार्ट, ठीक है। और इसके बाद फिर वेन डायग्राम है इंपॉर्टेंट पार्ट, साइन चेंज है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, ठीक है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया मैंने ऊपर रखा है, और जैसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सारे पार्ट को लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको कंप्लीट करना चाहिए, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉगी हो गया, तो ये सारा जो है वो आपका 60%, 50-60% जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, यहीं से पूछे जाएंगे, तो ये आपको सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। और सीरीज हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, ये आपका रीजनिंग का बैकबोन भी बनाएगा, जिससे बाकी सारे ये सारे जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने में फिर आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले करना चाहिए, ये सारे जो पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक जो मार्क किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सीएचएसएल का अगर देखिए रीजनिंग, ठीक है, 2020 का, तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन से हल्का सा कम क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन, और सीरीज से भी हल्का सा कम क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग से थोड़ा सा ज्यादा है पिछले के मुकाबले, हाँ पिछले के मुकाबले, मतलब सीजीएल से हल्का सा ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का सीएचएसएल में, और यहाँ पे एनालॉगी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, ठीक है, सीजीएल के मुकाबले सीएचएसएल में एनालॉगी से ज्यादा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो एनालॉगी पे आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। एनालॉगी में क्वेश्चन होता है जैसे कि 3:4 देन चूज अमंग द ऑप्शन, ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर 4:2 है और 3:4 है तो आगे क्या होगा, ठीक है, इस तरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एनालॉगी के, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ऑड वन आउट, तो ये सारा जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का वो हो जाता है मेन पार्ट, ठीक है, ये आपको जरूर करना चाहिए। और साथ ही मैं अगर बोलूँ तो डाइस का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो आपको करके जाना चाहिए, आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, और क्वेश्चंस जो है वो आपका बनने लगेगा, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स फ्री में मिल जाएगा आपको लगभग, तो और 30 सेकंड में, 35 सेकंड में आपका क्वेश्चन डाइस का हो जाएगा, तो ये आपको करके जाना चाहिए, ठीक है। और अगर लेस इंपॉर्टेंट बात करें जो आपको लास्ट में करना चाहिए, वो हो गया कैलेंडर, ठीक है, सीएचएसएल के लिए कैलेंडर हो गया, मीनिंगफुल ऑर्डर, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, तो ये आपसे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसी में ये कवर हो जाएगा, मीनिंगफुल ऑर्डर, इसे अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मिसिंग नंबर्स, ये सीरीज का ही पार्ट है, ठीक है दोस्तों, तो सीरीज, अच्छा, तो ये सीरीज से हो जाता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक तो नंबर वाला सीरीज होता है और एक अल्फाबेट वाला सीरीज होता है, ठीक है, तो दोनों को मिला दो नंबर सीरीज है, तो इसमें भी आपको ये 60% कैरी कर रहा है, तो आपको ये पहले करना चाहिए, और उसके बाद फिर ये सारे क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज में लगाते वक्त भी प्रैक्टिस हो जा रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी में अटक रहे हैं तो अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इससे आपको पहले करना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स के लिए, ठीक है, तो मैथ्स में मैंने सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के
का जो एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है, दोनों को मिला दिया है कि किससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपको डीआई कवर करना चाहिए, ठीक है, ये डीआई से चार क्वेश्चंस रहते हैं, डीआई और इजी भी होता है, ठीक है, यहाँ से आपको मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। तो डीआई है, एवरेज का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा और परसेंटेज का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है एडवांस्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये तीन चैप्टर जो है इससे काफी क्वेश्चन है, देखिए ज्योमेट्री से चार क्वेश्चन है, और ज्योमेट्री में मेन बात करें, मेन टॉपिक है, ठीक है, ज्योमेट्री का, तो ट्राइंगल, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और सर्कल, ठीक है, इससे काफी क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राइंगल और सर्कल ये काफी क्वेश्चन कैरी कर रहे हैं, तो ये आपको कवर करना चाहिए। अलजेब्रा इसके बाद इम्पॉर्टेंट है, ज्योमेट्री के बाद तीन क्वेश्चन आते हैं जो अलजेब्रा से, इसमें एक्स प्लस वन बाई एक्स देन एक्स माइनस वन बाई एक्स इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे थे। तो उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये वाला जो क्वेश्चन है वो उससे काफी था इस कॉन्सेप्ट से, तो ये वाला पार्ट आपको पहले करना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो तीन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से थे, और प्रॉफिट लॉस इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद फिर परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये साथ ही में बनते हैं, जब भी कोई सॉल्व करता है नया बच्चा तो सबसे पहले परसेंटेज बनाता है और उसके बाद देन प्रॉफिट लॉस, ठीक है। तो ये उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट है, दोनों से मिला के तीन क्वेश्चन आता है, ठीक है। नंबर सिस्टम उसके बाद एक मार्क्स कैरी कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन से एक मार्क्स और मेंसुरेशन से एक मार्क्स, ठीक है। मेंसुरेशन काफी आराम से किया जा सकता है, इसमें आपको बस हल्का सा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा, और आपने टेंथ तक जितनी पढ़ाई की है, ठीक है, उतनी उतना समझ से ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, हल्का सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन इजीली स्कोरिंग पार्ट है, तो इसे आपको देख के जाना चाहिए, ठीक है। तो जो लास्ट में कर सकते हैं आप, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट कहे या फिर हार्ड कहें, जैसे कि SICI, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो अगर आपका ये सारा कुछ बाकी है, ठीक है, प्रैक्टिस करना, तो आप ये लास्ट में करिएगा, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है, SICI और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। इससे क्वेश्चंस किसी किसी भी पेपर में थे, किसी किसी में, ज़्यादातर में नहीं थे, तो इसे आप लास्ट के लिए बचाते रख सकते हैं, लास्ट में करने के लिए ये सारे जो पार्ट हैं, सबसे पहले तो ये सारे पार्ट, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मेंसुरेशन ये इजी चैप्टर है, तो ये भी कर ले आप तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क और रेशियो प्रोपोर्शन, इसे एक एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश का, तो इंग्लिश में देखिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्लोज टेस्ट, ठीक है, क्लोज टेस्ट को आप प्रैक्टिस करिए, क्लोज टेस्ट से 5 मार्क्स आपका आ जाएगा, ठीक है, आराम से। और इसके बाद फिर जो यहाँ पे ये देखिए मैं बात करूंगा इसके बारे में, वोकैब पोर्शन के बारे में, वोकैब में आप बुक जो है SP बख्शी, ठीक है, आप कहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आपको SP बख्शी बुक है, अगर आपके पास है तो ठीक है, या कोई दूसरा बुक है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप SP बख्शी से ये जो वोकैब का पोर्शन है वो उसे पहले कवर करिए, ठीक है, आप कम टाइम में इसमें ज्यादा पार्ट, इसमें ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर दिन 5-10 आप idiom phrases कर लीजिए, idiom phrases याद करना थोड़ा आसान होता है और इंटरेस्टिंग भी होता है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको पहले करना चाहिए idiom phrases का, और इससे दो क्वेश्चन है ऑन एवरेज, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का आपको 10 क्वेश्चन करना चाहिए पर डे, आप सिर्फ आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चन idiom phrases का पढ़ना है और 10 क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, फिर अगले दिन आपको पिछले वाले 20 और फिर नया 20 पढ़ना है, बस रीडिंग आप रोज डालिएगा तो ये पार्ट जो है वो कैब का इजीली हो जाएगा कवर, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम से दो दो क्वेश्चन थे, ठीक है, स्पेलिंग से दो क्वेश्चन, आप ये दोनों क्वेश्चन करिएगा तो आपका ये वाला भी जो पार्ट है और ये वाला भी जो पार्ट है वो भी हो जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ। और इसके बाद फिर ग्रामर का बात करें दोस्तों, तो फिल इन द ब्लैंक्स और यहाँ पे एरर डिटेक्शन से चार क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से और फिल इन द ब्लैंक्स से दो क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉइस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है, इसके साथ पैसिव वॉइस भी, तो इसे एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऑन एवरेज, और पैराजम्बल से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, PQRS भी जिसे कहते हैं,
तो यहाँ से दो क्वेश्चन आए थे। देखिए ये था एनालिसिस सीजीएल और सीएचएसएल में कितने कितने कौन से टॉपिक से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और शेयर विथ इट विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एग्जाम क्लस्टर। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।